को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कीजिए, खुद के साइड में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कीजिए, जाओ ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। का दर्शक बंधु, मैं दीपक होलीवाल, आप देख रहे हो लविंग लवबर्ड चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो गए, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे हो गाइस। तो गाइस ये मैं बना रहा हूँ जो सीना बना रहा हूँ गाइस, जिसमें लौंग मैंने लिए गाइस और कुछ तुलसी के पत्ते लिए गाइस और अदरक वगैरह लिए मैंने और काली मिर्च भी लिए गाइस मैंने, ये काली मिर्च, ये लौंग हो गई गाइस छोटे से लिए 10-12 लिए गाइस। और ये आपको साइड में दिख रहा होगा ये लकड़ी का टुकड़ा, ये दालचीनी है गाइस जो घर में यूज़ की जाती है किचन में, आप ले सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है गाइस, ग्लोई की बेल पार्क में मिल जाएगी गाइस। और ये पत्ते भी लेने हैं और ये सब फीवर होता है जो बर्ड्स का, इन्हीं से ठीक हो जाएगा। ये पूरी बेल होती है और पार्क में मिल जाएगी, जंगली बेल होती है। और एक वाटर ये गर्म करना है, इसमें डालना है साथ ही साथ में ये तुलसी के पत्ते डाल रहा हूँ गाइस। और 900 ml या 800 ml वाटर ले सकते हो आप, छोटा सा आपको दिख ही रहा होगा गाइस, 500 ml भी ले सकते हो। और इसमें सब बारी बारी करके ये डालो लौंग, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सारा फीवर ख़त्म कर देगा बर्ड्स का जितना भी। और सारी चीज़ ऐड कीजिए जिससे कि आपका जोसीना रेडी हो जाएगा और सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी, जिससे कि बर्ड्स की। ये अदरक के कुछ पीस भी डाल देना गाइस। और ये सारी हो गई, लौंग हो गई, सारा डाल देना गाइस जिससे कि बर्ड्स को गला ठीक रहे बर्ड्स का। और दालचीनी भी है, ये बहुत ही ज़रूरी है गाइस। और ये ग्लोई की बेल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, ये बर्ड्स की इम्यूनिटी मजबूत करती है, जिससे हम भी पी सकते हैं गाइस। बर्ड्स की इम्यूनिटी मजबूत करती है, बूस्ट करती है गाइस, इन चीज़ को ऐड करने से जितने भी फीवर आएगा वो पहले ही इग्नोर हो जाएगा, बॉडी में से आउट हो जाएगा गाइस। बर्ड्स आपका एकदम एक्टिव रहेगा, फुर्तीला रहेगा गाइस, फ्लाइंग अच्छी करेगा, वो तरह तरह की बीमारियों से बचेगा। आपको बरसात के टाइम में यूज़ करना है गाइस ये, और सर्दियों में भी यूज़ करना पड़ता है, और मैं भी करता हूँ गाइस, आप भी कीजिए गाइस, और घर में भी अपने सभी फैमिली को पिला सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आयुर्वेदिक चीज़ है, जैसे कि रिकमेंड करते हैं डॉक्टर भी करते हैं ये आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होता है। और इसको 1 घंटे तक मैं उबाल ले रखूँगा गाइस, 1 घंटे तक इसी पे रहेगा, और कम से कम 100 ml या 60 ml तक ये इसी में एकदम थोड़ा सा हो जाएगा, भाप उड़ जाएगा। और ये आप देखो कैसा हो गया, ये सारा इसने एब्जॉर्ब कर लिया जितना भी वाटर में ये कचरा बन चुका है गाइस, जितना भी मैंने लौंग डाले था, काली मिर्च डाली थी, दालचीनी डाली थी, अदरक वगैरह और ग्लोई की बेल इम्पोर्टेंट चीज़, ये सब ऐड करके मैंने डाली है। और 1 घंटे के बाद देखो इसका क्या हाल हो गया, जितना कि इसका इतना रस होता है इसमें बीज में, जितने भी सामान जो ऐड किया था इसका सारा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जो बर्ड्स को ठीक रखने में सहायता देगा, वो थोड़ा सा हो जाएगा गाइस, ऐसा हो जाएगा आपको ये कम से कम 60 ml या 100 ml तक हो जाएगा। तो वही आपको करना है और छोटी सी बोतल में डालना है, और ये जब डालना है जब आपकी पूरा ये जोसीना ठंडा हो जाए, और ढक्कन से आप डेली मॉर्निंग में आप दे सकते हो, और रात को आप बर्ड्स का वाट पानी निकाल दो ताकि सुबह वो प्यासा हो जाए रहे, और आप उसको ये दो तुरंत वो आपका पी लिए, वाटर पी लिए बर्ड्स, और जिससे कि सारा मजबूत मिले, परिंदे को मजबूती मिले और तरह तरह की बीमारी से हटा रहे। और इस बोतल में डाल लूँगा गाइस, ये देखो कितना सा हो गया है और सारा। नमस्कार दर्शक बंधु, मैं दीपक होलीवाल, आप देख रहे हो लविंग लवबर्ड चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो गए, अपना अपनी फैमिली का खूब अच्छे से ख्याल भी रख रहे होगे दोस्तों, और अपने बर्ड्स का। तो भाई आपके लिए फिर इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आ गए हो गाइस, उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साइड में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए।
शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, लाइक भी कीजिए, कमेंट में बताइए गाइज कैसे लगा ये जो कि आइडिया है एक तरह का, और ये आयुर्वेदिक दवाई भी समझ लो या ये गाइस ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो कि बर्ड्स को मैं दे रहा हूँ गाइस। ये डिटोल नहीं है, कहीं आप सोचो डिटोल मैंने डब्बे में डाल लिया था गाइस। और ये जोसीना है गाइस, ये जोसीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम भी पी सकते हैं गाइस और अपने बर्ड्स को भी दे सकते हैं। इसमें ये है कि जितने भी वायरल फीवर होते हैं गाइस बर्ड्स में जो बारिश आती है गाइस, बारिश में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है गाइस, जिससे बर्ड्स को और इंसानों को और भी पक्षियों और जानवरों को सबको नुकसान हो जाता है गाइस, सबको डायरिया की शिकायत हो जाती है, मोशन वगैरह, जुकाम, सर्दी, नज़ला, सब परेशानी होता है, जिसके कारण ये जो नज़ला हो गया, जुकाम और खांसी, ठंड लग जाना, बर्ड्स फूल के बैठ जाता है गाइस। आपको दिख ही रहा होगा कुछ बर्ड्स मेरे फूल के भी बैठ गया, ये सब परेशानी क्योंकि मैंने देखा कि अब रात भर बारिश आई है गाइस, आपको ये देख रहा होगा गीला गीला हो रहा है हल्का हल्का और पूरा ये पानी भर गया है, पूरा इतनी गंदगी हो गई है, सूखी गंदगी थी मगर ये पूरा गंदा हो गया गाइस और ये सीलन आ गया, देख रहा होगा गाइस देखो, और इसी के कारण बर्ड्स को नुकसान हो जाता है गाइस, इन्फेक्शन हो जाते हैं तरह तरह के इस गंदे पानी से, अगर आपके कॉलोनी में बर्ड्स में कॉलोनी में ये पानी घुस जाता है गाइस, ये सारी परेशानियां इन्हीं चीज़ों से दूर की जा सकती है। अगर आपका बर्ड्स ऐसे सुस्त बैठने लग जाए गाइस, इनमें से एक आधे बर्ड्स को सुस्त बैठने लग गया है और इनको ये समझो सर्दी लग गई है, क्योंकि रात के टाइम इतनी बारिश हुई है, कम से कम 3-4 घंटे बारिश हुई है, जिसके कारण इनको ठंड लगने का भी मसला हो जाता है गाइस, तेज़ हवा चल जाती है। और आप एक काम ये भी कर सकते हैं, और शाम के टाइम या रात के टाइम जब भी ऐसी बारिश आए, कड़क तेज़ बारिश आए, तो आप अपनी कॉलोनी में एक बल्ब लगा लें, ये तो LED बल्ब है मगर मैं रिकमेंड करूँगा गाइस वो जो येलो बल्ब होता है गाइस कांच का, वो हिटनेस के लिए होता है, और ऐसी बारिश में हमें ये बल्ब डेली जलाना चाहिए गाइस, इससे ही होगा जितने भी सूरज की जो किरण आती है जिनको बर्ड्स को D3 मिलता है गाइस, मगर इस मौसम में बरसात के मौसम में सूरज का निकलना मुश्किल हो जाता है गाइस, और ठंडी हवाएं चलती है और बर्ड्स को ठंड भी लग जाती है, जब तक उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो उसका सुस्त होके बर्ड्स बैठा ही रहेगा, जिससे कि उनको फीवर हो जाता है गाइस और उमस बहुत ज़्यादा हो जाती है बारिश के टाइम, ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा हो जाता है गाइस। अब ये दिन का टाइम है, इस टाइम धूप निकल रही है कड़क, आपको दिख ही रहा होगा कड़क धूप आ रही है, रात में बारिश और दिन में कड़क धूप, ये सीधा ह्यूमिडिटी बढ़ाता है गाइस, जिससे बर्ड्स को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है गाइस और अटैक भी पड़ जाता है कई बार, तेज़ तेज़ हार्ट बीट होने से इनको बर्ड्स को अटैक पड़ जाता है, ऐसे हुमस वाले टाइम में जो बर्ड्स को हाँपते हैं तेज़ तेज़ और उनको हम भगाएं और पकड़े उन्हें, अचानक अटैक आ जाता है गाइस और एक्सपायर हो जाते हैं, जिसे अटैक की प्रॉब्लम हम कहते हैं बहुत से भाई कहते हैं कि मेरा बर्ड अटैक के कारण अचानक मर गया, मैं कॉलोनी में आया और अचानक उसने मेरे को देख के फटाफट आया, चारों तरफ भागा और थोड़ी देर के बाद मैं आया तो वो ज़मीन पर गिरा हुआ है मरा हुआ गाइस, ये कारण केवल इसी चीज़ का होता है, जो कि रात भर बारिश होती है, ठंडा मौसम हो जाता है, बर्ड्स को ठंड लग जाती है और फीवर भी हो जाता है गाइस, और दिन में कड़क धूप होती है, हुमस ही हो जाती है बॉडी के अंदर, खाने का कुछ मन नहीं करता, मोशन भी लग जाते हैं इससे, और ऐसे गंदगी को आप इग्नोर मत करो गाइस, जो कि ये गंदगी है पूरी, ये गंदगी आई इन्फेक्शन बैक्टीरिया फैलाती है, इसमें तरह तरह के मच्छर अंडे बच्चे दे के जाएंगे और इनमें बर्ड्स
बर्ड्स के जो पोटी पड़ी है इनमें पानी गिरेगा, फंगस इन्फेक्शन होएगा और बर्ड्स उन पानी को अगर मुंह पे भी टच करते हैं और इन्फेक्शन होने का पूरा पूरा खतरा हो जाता है गाइस। ऐसे खतरे को हटाने के लिए कॉलोनी को साफ किया जाए, डिटोल वगैरह या लाइजोल हो गया या कोई भी नीम वाटर होता है, उबाल के नीम वाटर बनाते हैं उसका छिड़काव कर सकते हैं, और या उसमें मेडिसिन वाली दुकान पे जो नीम ऑयल मिलता है वो भी हम ले सकते हैं। अगर हम नीम के पत्तियों का हम काढ़ा बना के दे उनको पिलाए थोड़ा बहुत और ओल कॉलोनी छिड़काव करें, इससे कीड़े मकोड़े भी दूर रहेंगे। और आपको ये दिख रहा होगा जोशीना बहुत लाभदायक है गाइस, ये मैंने बनाया है कम से कम एक घंटे इसको उस पर चढ़ाए रखा है गैस पे, जिससे कि ये जोशीना रेडी हो गया है। और इसमें जोशीना को ये जब भी आप वाटर दो एक दिन पहले रात में ये वाटर को निकाल लेना है अपने कॉलोनी या केज में से, जिससे बर्ड्स प्यासा होए और आप सुबह मॉर्निंग में इसे दो अर्ली मॉर्निंग में गाइस, एक ढक्कन दो या 500 ml का वाटर फीडर है गाइस, मैंने इसको एक ढक्कन डाल दिया है, ये समझ लो 10-12 ml डालो इसमें गाइस। ये इसका मैंने साइज़ नहीं बताया, बस ये डिटोल के आप छोटी बोतल ले सकते हो, एक ढक्कन डाल दो गाइस और इसको हल कर दो, हाथ साफ होने चाहिए इस, और आप इस वाटर को यहाँ दो और थोड़ी देर में ये वाटर पियेंगे गाइस। ये बर्ड्स देख रहा है कि नीचे आके पीने के लिए गाइस, क्योंकि बहुत देर से इनको मैंने वाटर नहीं दिया था और प्यासे है, अब ये धीरे धीरे नीचे आएंगे गाइस। और ये जोशीना मैंने जो बनाया है गाइस बहुत ही लाभदायक है, इसमें लौंग तुलसी दालचीनी और जो पारक से ग्लोय की बेल मिलती है गाइस वो दी है और लौंग दी है गाइस, और 4-5 चीज़ें जो कि ऐड करके आपको वाटर में पूरा देना है, एक घंटे तक इनको उबालना है गाइस, काढ़ा बना देना है। 800-900 ml में मैंने डाला था गाइस और करते करते इतना काढ़ा बन गया है और इसको मैं पिलाया है। तो गाइस आप भी अपने बर्ड्स को दे ताकि आपके बर्ड सुस्त ना रहे, अगर ऐसे सुस्त हो जाएंगे फीवर चढ़ जाएगा, फीवर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप तरह तरह की गोलियां दोगे तो ऐसे हल नहीं हो पाएगा गाइस। फीवर होने से पहले ही बर्ड्स को आप सेव कर सकते हो, सुस्त होए इसका मतलब समझे कि बर्ड्स सुस्त हो रहा है, फीवर भी हो सकता है गाइस। आप पैरासीटामोल की भी गोली दे सकते हो 500 mg 600 ml वाटर में गाइस, 3 दिन का कोर्स होता है मगर वो फीवर का है गाइस, मगर आप फीवर ही मत होने दो तो गोली देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है गाइस। उससे पहले आप ऐसा जोशीना आयुर्वेदिक चीज़ होती है, मैं भी पीऊँगा और अपने बर्ड्स को पिलाऊँगा और ऐसे ही तरह तरह के आपके लिए इंटरेस्टेड वीडियो लेके आऊँगा गाइस। आप मेरी चैनल पे बने रहिए और पूरी वीडियो देखा करें, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो। आप बिल्कुल सपोर्ट करो गाइस ताकि मैं तरह तरह की आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अच्छी अच्छी बातें बताऊँ गाइस। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।